यही आएगा अभी, वो ही सर से कहेंगे ना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। क्या सर से कहना है कृष्णा? सर वो ग्राफ से हम लोग टाउ मैक्स की वैल्यू निकालेंगे ना, तो वो तो सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू होगी, और जबकि टाउ मैक्स तो उन तीनों का मैक्सिमम होता है, तो एक सिग्मा वन बाई टू वाली जो वैल्यू होती है वो तो सर मैक्सिमम होगी ना, क्योंकि सिग्मा वन मैक्सिमम। अच्छा, जो सिग्मा वन माइनस तो ग्राफ से तो सर रेडियस की वैल्यू आएगी ना सर, वो तो सी पॉइंट पे। वन सेकेंड, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू जो क्या है, टाउ मैक्स किसमें है? इन प्लेन टाउ मैक्स, रेडियस इन प्लेन टाउ मैक्स है। इन प्लेन मतलब समझ रहे हैं? हाँ सर। एक्स तीन टोटल कितने एक्सिस है? तीन एक्सिस है, तीनों एक्सिस से कितने प्लेन बनते हैं? कितने प्लेन बनते हैं तीनों, तीन एक्सिस से कितने बनेंगे? वन टू टू थ्री, थ्री वन बनेंगे ना। जब सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू टू ले रहे हैं तो वो किस प्लेन की बात कर रहे हैं? वन और टू की, ठीक है। एक जो मोहर सर्कल हम बना रहे हैं, मोहर सर्कल क्या है? टू डी, टू डी कॉन्सेप्ट है सर, ठीक है। तो टू डी कॉन्सेप्ट है, वो वन और टू की बात कर रहा है सिर्फ। तो जो मोहर सर्कल बनाते हैं हम लोग, उससे जो टाउ मैक्स आता है वो इन प्लेन टाउ मैक्स होता है। अब टू थ्री को लेके मोहर सर्कल बनाओ तो जो टाउ मैक्स आएगा, थ्री वन को एक मोहर सर्कल बनाओ, थ्री वन प्लेन लेके उसमें एक टाउ मैक्स आएगा, ठीक है। टाउ मैक्स निकालने के लिए आपको तीन बार मोहर सर्कल बनाना पड़ेगा, उसमें से जो मैक्सिमम रेडियस होगा दैट इज द एब्सोल्यूट टाउ मैक्स। आ रहा बात समझ में? ओके यस सर, ठीक है। क्यों हम लोग सिग्मा वन सिग्मा टू के लिए तीन प्लेन क्यों नहीं देख रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारे पास पता है कि सिग्मा थ्री जीरो है, ठीक है। सिग्मा थ्री जीरो है, बट टाउ मैक्स सिग्मा थ्री जीरो होने पे जीरो नहीं हो सकता, वो तो डिफरेंस है दो स्ट्रेस के डिवाइडेड बाय टू, उसमें से कौन सा टाउ मैक्स होगा। तो मैं दिखाऊंगा अभी कि कैसे टाउ मैक्स, तीन टाउ मैक्स कैसे होंगे। अभी तो हम लोग बस वन टू की बात कर रहे हैं ना, वन टू प्लेन की। आप लोग देख रहे होंगे सिग्मा वन और सिग्मा टू ही निकल रहा है इसमें तो, लेकिन टाउ मैक्स कैसे निकलता है? थ्री के साथ, थ्री के साथ भी होता है ना, थ्री 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 की वैल्यू, सिग्मा थ्री की भी वैल्यू होनी चाहिए टाउ मैक्स निकालने के लिए, जी सर, ठीक है। तो अभी देखेंगे हम लोग इसको भी। चलिए अब लास्ट किया था आप लोगों ने दोनों मेथड से। हाँ सर, पर वो थोड़ा सा पॉइंट्स में चेंजेस आ रहा है। हाँ, क्योंकि वो सर ग्राफ से ऑब्वियसली। हाँ सर, क्योंकि वो ग्राफ में वो स्केल अपनी इतनी प्रिसाइज नहीं होती है ना, वो ऑब्वियस ही बात है। वो मेजरमेंट में तो मैंने बताया भी था कि कितनी भी बार एक ही लेंथ को अगर पांच स्टूडेंट मेजर करें तो सारे अलग लगाएंगे सर, अगर लिस्ट काउंट बहुत ज्यादा है तो। बहुत ज्यादा सर, 0.123 समझो लिस्ट काउंट, मतलब 3 डेसिमल तक भी वैल्यू बता सकता है तो स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हो गया होगा। तो कितना आया था इसमें आंसर? किस चीज का सर? बहुत सारी चीजें पूछी है, सारी वैल्यू बताओ। वन सेकंड। हां सर, कौन बताओ सर? सिग्मा वन ग्राफ से तो ग्राफ से 75.5 आया, 75.5 ग्राफ से। और उसके बाद एनालिटिकल मेथड से सर, एनालिटिकल मेथड से 75.6। कितने लोगों का सही है ऐसा आंसर? सही है सर, सही है सर। ग्राफ से डिफरेंट होगा लेकिन एनालिटिकल तो सेम होगा सबका। हां सर, ठीक है। सिग्मा 2 सर, सिग्मा 2 34.5 34.5 और उससे 34.4। अच्छा, ये कम हो गया, लेकिन देखो शायद डायमीटर सेम आ रहा है दोनों का। सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का सर, नहीं सर, सिग्मा 1 पे सिग्मा 2 भी सिग्मा एक्स पे सिग्मा वाई के इक्वल आ रहा है 110। ठीक है, तो वो इक्वल ही होगा ना। नेक्स्ट क्या था? सिग्मा थीटा, टाउ मैक्स, टाउ मैक्स,
ये टाउ मैक्स ध्यान रहे वन और टू प्लेन का है, ठीक है, ये इन प्लेन है, इन प्लेन, इन प्लेन मतलब समझ रहे हैं ना, प्लेन के अंदर, वन और टू प्लेन के अंदर कितना शियर स्ट्रेस है मैक्सिमम, दैट इज कितना आया है 20.5। हां सर 20.5 ग्राफ से, और हां और एनालिटिकल 20.6। यस सर, सब कुछ मेगा पास्कल में है कि सेंटीमीटर मीटर में है, ये सब मतलब मेजरमेंट है, यूनिट के साथ है ना, सिर्फ यूनिट्स लिख दिया मैंने क्योंकि आपने यूनिट्स कुछ बताई नहीं है ना, तो आगे बस यूनिट्स करके लिख दिया। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, नेक्स्ट सिग्मा थीटा, सिग्मा आर थीटा निकल गया, सिग्मा थीटा पहले बताओ सर, सिग्मा थीटा सर 74.5 एनालिटिकल से, और 74.82 टाउ थीटा सर 5.5 और 5.67 नेक्स्ट इज सिग्मा आर फाइव थीटा कितना होगा ये सर, सिग्मा आर तो 75.03 यह है टाउ थीटा, दोनों का रिजल्टेंट है ये सिग्मा आर, यह है 5.5 कितना आ रहा है 70 ग्राफ से, तो 74.82 आ रहा है 8, और ये और एनालिटिकली 75.03 75.03 अच्छा, देन 5 ऑब्लिक्विटी और पॉइंट ग्राफ से भी ऑब्लिक्विटी बताओ, मेजर किया होगा ग्राफ में, हाँ सर 4 डिग्री यूजिंग प्रोट्रैक्टर कितना रहा है 4 डिग्री हाँ, और एनालिटिकल कितना है ये भी 4.33 मतलब डी से तो या तो 4 होगा या 5 होगा ना, उसके बीच में कितना ऊपर नीचे वो तो अंदाजा ही होता है ना, ठीक है, क्योंकि मार्किंग नहीं है, तो देख रहा हूँ डिफरेंस तो है ये आंसर में, तो मोहर सर्कल से अगर आंसर पूछ रहा है तो आप ये वाला आंसर देंगे, आरटीयू की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, अब गेट में जो मोहर सर्कल से क्वेश्चन आता है वो डिफरेंट टाइप का होता है, उसमें ये वैल्यूज वैल्यू से मतलब नहीं, आपको मेजर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको बस मोहर सर्कल बनाना है और ट्राइगोनोमेट्री मेथड यूज करके फटाफट उसका जो हाइपोटेन्यूस निकालना होगा हाइपोटेन्यूस निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर निकालना, आपने जो सर्कल की है तो एनालिटिकल मेथड वाले है ना, कौन से एग्जाम में मोर आता था आपने ये एन सर्कल किया ना इन सबको कि आरटीयू में मोर सर्कल का आता है तो कौन से क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मैं दिखाता हूं आपको गेट के क्वेश्चन, नहीं सर आरटीयू का पूछना था, मतलब आरटीयू में तो सर ये लेफ्ट साइड वाली वैल्यू लिखेंगे ना, राइट साइड वाली सॉरी लेफ्ट साइड वाली ग्राफ वाली, हां हां सर आपने क्या राइट साइड वाली एन सर्कल कर दी इसलिए, क्या वो आपने एनसर्कल राइट साइड वाली करके बोला था ना कि एग्जाम में आरटीयू में ये वाली लिखनी है, इसलिए मैंने पूछा कि ग्राफिकल तो हमारे ग्राफ के ग्राफिकल, हां सर ये एनालिटिकल है, यस सर हमें आरटीयू में मोहर सर्कल से बोलेगा तो आपको आंसर यही लिखना है, मेजर करके तुरंत आंसर लिखना है, आपका मेन टास्क क्या है मोहर सर्कल बनाना, उसके बाद आप डायरेक्ट वही सब कोऑर्डिनेट की वैल्यूज और ये लेंथ की वैल्यूज क्या क्या है, सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा थ्री कहाँ है, सबकी वैल्यू निकाल निकाल के मेजर करके, सपोज सिग्मा वन मैंने मोहर सर्कल बनाया, ये सिग्मा वन क्या है यहाँ वाली वैल्यू है, तो आपने ओ लिखा होगा यहाँ पे पॉइंट पे क्या लिखोगे पी सपोज, तो आप डायरेक्ट लिखोगे सिग्मा वन इक्वल्स टू ओ पी एंड दैट इज समथिंग वैल्यू जो मेजर किया हुआ, ठीक है ऐसे ही लिखेंगे, सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिखना है, इसमें ट्रैक कुछ भी मेथड नहीं लगाना है, सिर्फ मेजर्ड वैल्यू लिखना है, ठीक है, अगर थोड़ा सा क्रॉस चेक करना है आपको बस आप सिग्मा जो सिग्मा थीटा और सिग्मा टाउ थीटा की वैल्यू निकाल लो अलग से एनालिटिकली, ठीक है,
टाउ थीटा की वैल्यू निकाल लो अलग से, ये रफ वर्क है, और सिग्मा आर की वैल्यू निकाल लो और अपने मोहर सर्कल का वैल्यू चेक कर लो, ठीक है, कि लगभग आस पास में है या नहीं, ठीक है, एकदम बहुत ज्यादा चेंज है तो आपको फिर से रीचेक करना पड़ेगा अपना मोहर सर्कल, कोई एक वैल्यू निकाल लो उसके बाद अपना रीचेक कर लो, और ये रफ वर्क है साइड में मोहर सर्कल के लिए क्वेश्चन के लिए, ठीक है सर। आईटीओ में ग्राफ थोड़ी ना मिलेगा यार, मिलेगा कॉपी पे बना, नहीं मिलेगा तो कॉपी पे कर ही सकते हो, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे आज भी, प्रॉब्लम नंबर टू, इसका मोर सर्कल बनाइए जल्दी से, जल्दी से बनाओ मोर सर्कल का रेडियस चैट बॉक्स में लिखना है प्राइवेटली, मोर सर्कल का रेडियस नहीं, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होगा वो है ए, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होगा वो है बी, यस सर। ए का कोऑर्डिनेट क्या है? 50.0 बी का -20.0 बनाइए अच्छा माइन मैंने स्क्रीन पे लिखा है एक्स वाई, यहाँ मतलब एक्स वाई की एक्स वाई को डील करना है, वन टू, वन और टू आएगा, जो प्रिंसिपल आएंगे वो वन और टू वाले आएंगे, तो टाउ मैक्स जो आएगा वो एक्स वाई प्लेन के लिए आएगा, वन टू प्लेन, आपने वीडियोस अपलोड नहीं किए हो जाएंगे,
मिड टर्म टू मिड टर्म वन के बाद आपका अटेंडेंस एप्रोप्रिएट होना चाहिए, अदरवाइज मैं मिड टर्म टू में श्योर नहीं बिठाऊंगा। अटेंडेंस नहीं है, वीडियो देखिए, वीडियो देख के अटेंडेंस लीजिए। ऑब्लिक प्लेन नहीं, कुछ नहीं करना है आपको, बस सिग्मा वन सिग्मा टू टाउ मैक्स निकालो। एक और चीज बतानी आपको, टाउ स्टार, व्हाट इज टाउ स्टार? टाउ स्टार इज द शियर स्ट्रेस एट सिग्मा जीरो। शियर स्ट्रेस एट सिग्मा जीरो मैक्सिमम ही तो होती है सर, टाउ स्टार। टाउ मैक्स इज द मैक्सिमम, सिग्मा स्टार था वो, टाउ मैक्स सिग्मा स्टार वो। अच्छा वो सिग्मा स्टार था, सिग्मा स्टार, सिग्मा टाउ स्टार, टाउ स्टार वो वैल्यू है जहां पे नॉर्मल स्ट्रेस जीरो होना चाहिए। कोऑर्डिनेट क्या क्या है? 50, 0 -20, 0 ठीक है। तो दो पॉइंट्स है हमारे पास, दिस इज ए, ए है या बी है? बी सर, बी 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 है बी। और ये ए, ए। और ए बी को क्या मानते हैं? डायमीटर मान लेते हैं, उसके बाद सर्कल बनाएंगे। सर्कल बन नहीं पा रहा ये पेन, अजीब से। चलिए हमें समझना है क्वेश्चन को, तो यहाँ पे तो टाउ मैक्स है ही नहीं, सॉरी टाउ टाउ एक्स वाई तो है नहीं यहाँ पे, तो जो रेफरेंस प्लेन है कौन सा है? डायमीटर, रेडियस कितना होगा इसका? 35 रेडियस सर, 35 रेडियस इज 35, तो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे होगा वो? ओरिजिन से 15 की डिस्टेंस पे, क्योंकि 20 लेफ्ट साइड में, यहाँ पे होगा सेंटर। यस सर। तो रेफरेंस प्लेन कौन सा है? सीए, सीए इज द रेफरेंस प्लेन। उसके अबाउट, उसके अबाउट अगर किसी भी ऑब्लिक प्लेन में आपको निकालना होगा वो निकाल सकते हैं आप। टाउ मैक्स, टाउ मैक्स यहाँ पर कहीं होगा, टाउ मैक्स कितना आ रहा है रेडियस के बराबर? रेडियस के इक्वल 35, टाउ मैक्स 35, सिग्मा वन 50 कितना? 50 50, सिग्मा टू -20, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, अगर शियर स्ट्रेस नहीं है तो जो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई है वही क्या बन जाते हैं? वही सिग्मा वन और सिग्मा टू, वही प्रिंसिपल स्ट्रेस बन जाते हैं। और टाउ मैक्स तो वही है, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू, देखो वही है ना। यस सर, तो वो तो एनालिटिकल मेथड्स हो गया, यहाँ मेजर करके 35 आएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? टाउ स्टार, टाउ स्टार बताइए कहाँ है, कितना है? मेजर करके बताना होगा आपको। 31, 33 और बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? बलराम बहुत दिनों बाद आए हो। यस सर। अटेंडेंस भेजा हूँ इसलिए आए हो क्या? नहीं सर, मैं आ सर कल रात को ही आया था, फोन ठीक हो गया। अच्छा, अभी अटेंडेंस बहुत कम, जो कम हो गई है तुम लोगों की।
हाँ सर, मैं वो वीडियो देख के ले लूंगा सर। वो तो पिछले 3 महीने से कह रहे हो आप लोग। सोनू, सोनू। यस सर। ये बताओ, मैं पॉइंट बना रहा हूँ सर्कल के ऊपर, ठीक है? यस सर। पॉइंट का नाम दे रहा हूँ मैं, पी क्यू आर, ये आर। कौन से पॉइंट पे नॉर्मल स्ट्रेस जीरो है? पॉइंट्स पे नॉर्मल स्ट्रेस जीरो है। नॉर्मल स्ट्रेस कौन सा एक्सिस है? एक्स है, वाई है? एक्स। तो एक्स कहाँ पे जीरो होता है? जीरो को पे सर, ओरिजिन पर। ओरिजिन पर, ओरिजिन पे कौन कौन से पॉइंट्स हैं? ओ है सर। एक्स जीरो है, जहाँ पे एक्स जीरो है। अरे बेसिक ग्राफ के बारे में पता है या नहीं आप लोगों को भाई? यस सर। कहाँ पता है? दो एक्सिस है ये, एक्स कहाँ पे जीरो होगा सर? पी और आर पर। पी और आर पे, पूरे वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होगा, पूरे एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होगा। ये बेसिक नहीं पता है क्या? ये लेंथ क्या है ओ से लेके बी तक? 20 सर। नहीं, क्या है उसको, क्या बोलते हैं वो भी लेंथ जो निकलेगी उसको किसकी वैल्यू देंगे? सिग्मा टू सर। सिग्मा टू की, ठीक है। अब मैं अगर पूछूं मैं आप लोगों से कि सिग्मा वन का प्लेन का इंक्लिनेशन क्या है एक्स फेस से, कितने एंगल पे है सिग्मा वन? 0 डिग्री। 0 डिग्री। सिग्मा टू 0 डिग्री। सिग्मा टू 180 होगा ना? 180 होगा, पूरा घूम कैसे पूरा यू जाएगा ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 2 थीटा इक्वल्स टू 180, सो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। जब आप बनाएंगे प्लेन ऑफ स्ट्रेस में, प्लेन सॉरी स्टेट ऑफ स्ट्रेस में, तो वो 90 डिग्री पे होगा। ये वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन में सिग्मा 2 आएगा और ये वाला प्लेन में, सॉरी ये गलत बना दिया, ये एक्स होगा। इसमें क्या आएगा? सिग्मा 1। सिग्मा 1 किस में आएगा? कौन है 90 डिग्री पे? सिग्मा हॉरिजॉन्टल वाली लाइन। हॉरिजॉन्टल वाली 90 डिग्री पे है? हां, अरे हॉरिजॉन्टल वाली 90 डिग्री ना, ये है 90 डिग्री। हां, हॉरिजॉन्टल वाली 90। हां, सिग्मा 1 ये है 0 पे। हां सर। कौन सी 0 पे? वर्टिकल वाली 0 पे है। वर्टिकल वाली सर। और इस पे क्या है? सिग्मा 1। और इस पे क्या है? सिग्मा 2। ठीक है, क्यों है ये? क्योंकि x और y की वैल्यू सेम मिल जा रही है ना, सिग्मा x की वैल्यू सिग्मा 1 के बराबर, सिग्मा 2 की वैल्यू सिग्मा y के बराबर आ रही है, तो यही क्या ये इंक्लिनेशन भी वैसे yes, 50 पे। ठीक है, अब ये देखिए, अब मैंने इसको बनाया था, इसी क्वेश्चन को x और y में किया था, ठीक। इसी क्वेश्चन को आप y z में करना है आपको, y z में, z में कुछ लग ही नहीं रहा है, तो y मैं अपवर्ड ही मानता हूँ, y और जेड ऐसे, ठीक है? कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी वाई की। स्टेट ऑफ स्ट्रेस बनाऊंगा मैं, अगर स्ट्रेट लाइन वाई में प्लेन स्टेट ऑफ स्ट्रेस जो पहले से हम लोगों ने बनाया था, वाई में कौन सा कौन कितना स्ट्रेस लग रहा था? -20 का कंप्रेसिव, 20 का कंप्रेसिव, और जेड में कुछ भी नहीं लग रहा था। जेड में लग रहा था क्या कुछ? अभी जेड ये डायरेक्शन है, तो अभी क्या लिखेंगे हम लोग? सिग्मा वाई कितना है? 20। सिग्मा जेड कितना है? 0। 0। टाउ जीरो। टाउ वाई जेड कितना है? यस सर। टाउ जेड वाई कितना है? 0। ठीक है, तो जो अब दो दो कोऑर्डिनेट बनाएंगे, ए और यहाँ पे बी। ए की कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है? 0.0। 0.0। बी का -20.0। इससे मोर सर्कल बन जाएगा ना एक और? यस सर। हाँ हाँ सर। आइए,
माइनस 20 एक पॉइंट है सिर्फ ए ए कितना पर है जीरो पे जीरो पे ए और बी कहाँ है माइनस 20.0 पे अभी क्या हो जाएगा डायमीटर ए बी इज अ डायमीटर डायमीटर 20 टाइम ये हुआ मोहर सर्कल तो क्वेश्चन गेट में ऐसे आता है कि इस टाइप के स्टेट ऑफ स्ट्रेस में अगर ऐसा स्टेट ऑफ स्ट्रेस है जैसा अभी मैंने बनाया वाई जेड सपोज वो एक्स वाई भी होता ऐसा तो पूछता है कि सर्कल कहाँ बनेगा सर्कल का ओरिजिन कहाँ होगा तो ओरिजिन कहाँ होगा कैसे बताओगे ओरिजिन बोलेगा ओरिजिन विल बी द लेफ्ट साइड ऑफ द वाई एक्सिस और ओरिजिन विल बी एट द सॉरी सेंटर ऑफ द मोहर सर्कल विल बी लेफ्ट साइड ऑफ द वाई एक्सिस या फिर बोलेगा राइट साइड ऑफ द वाई एक्सिस या फिर बोलेगा कि एट द ओरिजिन ऑफ द ग्राफ तो बहुत सारे ऑप्शन बनते हैं तो आप डायरेक्ट बता सकते हो ना यहाँ से कि क्या होगा लेफ्ट साइड में ओरिजिन होगा ऑफ द सॉरी सेंटर होगा मोहर सर्कल का कोऑर्डिनेट देख के बता सकते हो हाँ कोऑर्डिनेट देख के बता सकते हो लेकिन मोहर सर्कल बनाओगे ना पहले तो कोऑर्डिनेट देख के बता सकते हो लेकिन बनाओगे तो ज्यादा विजिबल होगा ना गलत होने के चांस नहीं रहेंगे ठीक है तो यहां से टाउ मैक्स क्या आएगा 10 10 ठीक है अब जेड एक्स में बनाओ जेड एक्स जेड में ऊपर ले रहा हूं एक्स राइट साइड एक्स में क्या लग रहा था 50 Yes, sir. जेड में कुछ भी नहीं लग रहा था तो दो पॉइंट्स होंगे ए और बी ये ए ए पर क्या है कोऑर्डिनेट 50.0 बी पर क्या है कोऑर्डिनेट 0.0 अब मोर सर्कल बनाइए ए है 50.0 एक दो तीन चार पांच ये है ओरिजिन सॉरी एस पॉइंट ए और बी है 0.0 और ए बी को क्या करेंगे डायामीटर ए बी इज द डायामीटर और इस डायामीटर को अज्यूम करके सर्कल बना लेंगे इस सर्कल का रेडियस कितना होगा रेडियस विल बी टाउ मैक्स 25 टाउ मैक्स इज 25 अब तीनों में से देखो कौन ज्यादा है टाउ मैक्स पहले केस में कितना था 35 दूसरे केस में क्या था 10 तीसरे केस में क्या है 25 सो एब्सोल्यूट टाउ मैक्स इज 35 एब्सोल्यूट टाउ मैक्स इज मैक्सिमम of 35 10 25 that will be 35 ठीक है तो tau max निकालने के लिए आपको तीन सर्कल तो बनाने पड़ेंगे because we are talking about the plane in case of the formula of tau max ठीक है next problem अच्छा फिर से join कीजिए time 5 मिनट बचा हुआ है फिर से join कीजिए आपको Yes, sir.